है उज्जैन से केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस सेवा दल द्वारा दिया गया धरना। तराना जनपद अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर, सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण रोजवाणी द्वारा बताया गया, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनता को लगातार मूर्ख बनाने का कार्य कर रही है, जिसका विरोध कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया जा रहा है। इस समय सरकार आम जनता को लगातार परेशान करने में लगी है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल व सामग्री चरम सीमा पर पार कर गई है। बिजली के बिल नियम के विरुद्ध बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नहीं भरने पर बिजली काटने के आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसका विरोध में आज कांग्रेस सेवा दल ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए, झूठ और फरेब के आधार पे ये सरकार बनी, अभी भी छल और कपट के आधार पे ही चल रही है। अभी लगातार देश के अंदर ये सरकार किस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर महंगाई को बढ़ाती जा रही है, चाहे पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, खाद्य तेल के दाम हो, खाद्य वस्तुओं के दाम हो, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या है मांग आपकी? आज हमारे राष्ट्रीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष के निर्देश पर शहर कांग्रेस सेवा दल उज्जैन के अध्यक्ष मनीष गोमी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश संगठक आनंद अरुण नाचवानी जी के मार्गदर्शन में टावर चौक पर धरना दिया गया है। इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार पूरे लगातार कोरोना काल से लगाकर आज तक मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। चाहे बेरोजगारी की मार हो और महंगाई की मार हो, आप देखो डीजल पेट्रोल तो